हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट वन न्यू स्टॉक जो कि फंडामेंटली साउंड है और जिसका जो काम है एक मोनोपोलिस्टिक काम है। इनके पास पूरे इंडिया की लार्जेस्ट मैगनीज ओर की माइनिंग का माइनिंग माइन है इनके पास, आयरन ओर की और मैगनीज की। और फ्रेंड्स, ये बिलोंग करता है एक रॉयल फैमिली से ये ग्रुप, और इसके फंडामेंटल्स बहुत ही एक्सेलेंट है। और इस मार्केट के गिरावट में भी आज इसमें 2% प्लस में ही ये शेयर क्लोज हुआ है। आइए इस शेयर के बारे में जानते हैं। इसका पी है ओनली 5 का, 5 का पी है फ्रेंड्स। ईपीएस इज 570 रुपीज़, जी हाँ, 570 रुपीज़ का ईपीएस है। पी ओनली 5 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.26। कंपनी पे डेट भी बहुत ही कम है। इसका शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू है 10,000 रुपीज़, जी हाँ, 10,000 रुपीज़ इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ग्राहम नंबर इज 4,500 रुपीज़। बुक वैल्यू इज 1,500 रुपीज़। फ्रेंड्स, इसका प्रोमोटर होल्डिंग है 73%, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। FII का होल्डिंग है 0.25% एंड DII का होल्डिंग है 0.81%। FII DII का भी होल्डिंग इसमें है। अब बात करेंगे इसके ईयर ऑन ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट की। तो दिसंबर 20 में प्रॉफिट था 19 करोड़, सितंबर 21 में प्रॉफिट था 182 करोड़ एंड दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 109 करोड़। तो फ्रेंड्स, ज़बरदस्त प्रॉफिट देने वाली कंपनी है। और कंपनी जो है मैगनीज एंड आयरन ओर्स का बिजनेस करती है, इनकी माइंस है, उसका काम करती है माइनिंग का। कंपनी का नाम है संदूर मैगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड, SANDUR, संदूर मैगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये कंपनी संदूर रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटका में ही इनके माइंस हैं। इसका आज का क्लोजिंग था 2,838 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 2,870 रुपीज़। मतलब 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है। इस मार्केट की गिरावट में भी ये शेयर गिरा नहीं है, उल्टा 2% प्लस में क्लोज हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मार्केट चलेगा तो ये शेयर कितना स्पीड से ऊपर जाएगा। इसका अगर मार्केट चलेगा तो हम आराम से टारगेट पकड़ सकते हैं, 4,000 से 5,000 जा सकता है। क्योंकि इसका मैंने आपको बताया ग्राम नंबर है 4,500 और इंट्रिंसिक वैल्यू है 10,000 रुपीज़ एंड बुक वैल्यू भी 1,500 है। तो सब एंगल से बहुत स्ट्रांग कंपनी है ये। तो आप थोड़े थोड़े शेयर्स वन टू शेयर्स लेके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट चल एक मार्केट की गिरावट में भी गिर नहीं रहा है, तो मार्केट चलेगा तो कितना स्पीड दिखा सकता है ये आप सोच सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आप खुद भी स्टडी करके डिसीजन लीजिए कि वेदर यू वांट टू बाय और नॉट। बट फंडामेंटली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, पी ओनली 5 का है और ईपीएस इज 570 का, तो बहुत ही अच्छा है फंडामेंटल्स एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सो यू कैन स्टडी अबाउट दिस कंपनी एंड टेक द डिसीजन। थैंक यू फ्रेंड्स।